नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 7 मार्च 2018 के ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की न्यूज में सबसे पहली खबर थी, वह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली में उसका जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो हम यहाँ जानेंगे कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता क्या है, उसके कॉम्पोजिशंस कैसे होते हैं, उसका टेन्योर सर्विस कंडीशंस क्या होते हैं और पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। दूसरी न्यूज है कि कॉन्ड्रेड सेंगमा जो है वो मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेई फ्यू रियो वो नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके गवर्नर के साथ रिलेशनशिप क्या होते हैं, इसको हम इस न्यूज में समझेंगे। अगली जो न्यूज है कि श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है 7 दिनों का, कम्युनल वायलेंस को नजर में नजरबंद रखते हुए नजर मद्दे मद्देनजर रखते हुए सॉरी। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझेंगे कि श्रीलंका का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, इंडिया के साथ उसके क्या रिलेशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम लोग ध्यान देंगे। चौथी न्यूज है कि इंडिया ने एक बहुत ही डिक्लाइन शो किया है चाइल्ड मैरिजेज में, ठीक है। इसके लिए यूनेस्को ने मतलब यूनाइटेड नेशंस ने उसकी काफ़ी तारीफ की है। तो हम ये समझेंगे कि जो डिक्लाइन हो रहा है उसके फैक्टर्स क्या हैं, पहले क्या सिचुएशंस थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी के समय से ही बाल विवाह और सती प्रथा का काफ़ी विरोध होता आ रहा है। तो इस बात में आज के समय में और पहले के समय में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, किन किन कारणों से इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। पांचवी न्यूज है कि इंडिया जो है वो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट जो है उसको हार गया है ऑस्ट्रेलिया से 2-4 से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अजलान शाह जो है हॉकी कप टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट वो कहाँ हेल्ड किया गया था, तो वो मलेशिया में हेल्ड किया गया था। अब जगह का नाम याद रखिएगा। और पेयर है, एक जोड़ी है मनु भाकेर और ओम प्रकाश मिथरवाल का, इन्होंने गोल्ड जीता है। किसमें जीता है, तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि मैक्सिको में हेल्ड किया गया था। मैक्सिको साउथ अमेरिका का एक सॉरी नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, उसके सदर्न पार्ट में पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में जो हुआ था टूर्नामेंट वो मैक्सिको में हेल्ड किया गया था। तो चलिए पहली न्यूज से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। CIC होता क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे थे। CIC बेसिकली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन दे 2005 में स्टेब्लिश किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो आप इससे याद रखिएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था 2005 से। ये हमेशा याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये एक नहीं है। अक्सर UPSC ऑप्शंस अगर देती है CIC के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें तो यह देगा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ था, यह एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, नीदर वन नॉर टू ऐसे करके दे देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। यह कंप्लेंट्स लेता है किस किस के रिलेशन में, तो ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरीज के, इसमें स्टेट शामिल नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के कंसर्न जो भी कंप्लेंट्स होते हैं वो इसको एंटरटेन करता है। इसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 अलग इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इन सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो अभी फिलहाल लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए कम से कम 10% वोट होना चाहिए। बट फिलहाल मेजर पार्टी जो है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिला है और उसका प्रतिनिधित्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेटेड होना चाहिए वो उस कैबिनेट कमिटी के मेंबर होंगे। इन तीनों के रिकमेंडेशंस पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 अलग इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब वो जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा जिनका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, वो
किसी भी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरीज के मेंबर नहीं होने चाहिए और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड करने वाले होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनका टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होता है? तो देखिए, 5 साल के लिए इनका टर्म होता है और 65 साल तक ये रहते हैं। ओके, 5 साल तक टर्म होता है और 65 साल तक रहते हैं। अभी आप मुझे ये बताइएगा, इसके पहले वाले ऑडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था, जो ये होते हैं हमारे ह्यूमन राइट कमीशंस के जो होते हैं अध्यक्ष, उनका टर्म बताइएगा कितने साल का होता है और कितने समय तक के लिए होता है। साथ ही साथ आप इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनके भी टर्म्स बताइए, कितने साल और कितने समय के लिए होता है। ओके, वापस आते हैं अपने डिस्कशंस पे। तो सीआईसी के जो चीफ होते हैं और बाकी जो मेंबर होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट उनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी रिमूव करने का मतलब ऐसे नहीं कि कैसे भी रिमूव कर देंगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें इंसॉल्वेंट का ना केस हो, या फिर कोई ऑफेंस उन्होंने कंडक्ट किया हो उसमें वो कन्विक्टेड हो, उसके केस में उनको हटाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लगे हुए हों जिसमें उनको पेमेंट हो मिलता हो और वो काम कर रहे हों, वैसे केस में अगर वो पकड़े जाते हो तो उनको हटाया जा सकता है। अगर उनकी माइंड और बॉडी यूनिफॉर्म नहीं, अच्छे तरीके से काम नहीं करने के सक्षम नहीं है वो काम कर पाने के, तो उस केस में भी उनको हटाया जा सकता है। ओके, बहुत सारे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होती है। तो अगर ऐसा कोई मामला आता है किसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के खिलाफ या किसी अदर मेंबर के खिलाफ कि उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेबल है उस अपने सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो वो मामला पहले सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाता है। रेफर करने के बाद उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि हाँ ये वाकई में गिल्टी है, तभी प्रेसिडेंट के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी सैलरी अलाउंसेस और दूसरी सर्विसेज जो होती हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी अलाउंसेस और दूसरी सर्विसेज जो होती हैं वो सिमिलर टू इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हैं, और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो बाकी इलेक्शन कमिश्नर के जैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके अलावा दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, क्योंकि यह 3 सदस्यीय कमिटी होती है एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें ये तीनों लोग डिसीजन लेते हैं, जिसमें हेड जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उनके जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो सेम टू सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बराबर होते हैं। ओके, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होती है, कैसे उनको हटाया जाता है। पावर्स एंड फंक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो होते हैं, तो वो ये है कि वो किसी भी कंप्लेंट पे इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको रिसीव करके उसको रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको सुओ मोटो पावर भी मिला हुआ है। सुओ मोटो पावर वो होता है जब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कोई जान रहे कि कहीं पे कुछ घटना ऐसी घट रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जा रहा है, कोई राइट इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो कि उसके परव्यू में आना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है, तो हम अपने तरफ से स्टेप लेकर के उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये पावर सीआईसी को प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ इसको एक सिविल कोर्ट का भी दर्जा मिला हुआ है, और ये अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है, जिसको कि पार्लियामेंट के समक्ष सरकार के द्वारा रखा जाता है। ये सारे के सारे केसेस जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अप्लाई होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट हटाते हैं, वहाँ पे राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, राज्यपाल हटाते हैं। यहाँ पे इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है, वहाँ पे स्टेट के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके बराबर होती है। ठीक है, बाकी पावर्स जो हैं और फंक्शन है वो सेम टू सेम रहते हैं। ये अपना जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो राज्य सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, और फिर राज्य सरकार उसको विधानसभा में पेश करती है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दिया था इस बिल्डिंग का उद्घाटन देते समय, तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, सिटीजन्स को एम्पावर सिटीजन जो होता है, जनता जो होती है उनका सशक्तिकरण होता है। साथ ही साथ एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, जो कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक नया ऐप लॉन्च किया था, ऐप नहीं है बेसिकली, वो एक नया इनिशिएटिव है प्रगति के नाम से। तो प्रगति जो है उसके थ्रू प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरे देश के मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और बाकी मंत्रालयों से बात करके प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट लेते रहते कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उससे थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट जो है सोसाइटी का काफ़ी बढ़ रहा है। इस ओकेजन पे सीआईसी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे पब्लिक को कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने में, कंप्लेंट लॉन्च करने में और उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने में उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है उसमें है कि कॉन्रेड संगमा मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं, और विपल कुमार देव जो है वो नए चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। मैप में इन सभी स्टेट्स के लोकेशन को आप देख लीजिए, लोकेट कर लीजिए। इसमें स्क्रीन पे काफ़ी छोटा मैप दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में निकालिए और तीनों को लोकेट कीजिए। ये देखिए कि कौन कौन से स्टेट्स पड़ोसी हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेघालय जो है वो बांग्लादेश इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, नागालैंड म्यांमार के इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश और बांग्लादेश के ही बाउंड्री को केवल टच करता है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और मेघालय सॉरी म्यांमार के बाउंड्री को टच करता है। ओके, तो ये तीनों चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब चीफ मिनिस्टर बने हैं तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनके पावर्स क्या होंगे, इनके पास अथॉरिटी क्या क्या है। देखिए, गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का, उसको उस स्टेट का हेड कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 164 सिर्फ इतना कहता है कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाएगी, दैट्स इट। और इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर को अगर अपॉइंट करने की अथॉरिटी दे दी गई है तो गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नर उसी को अपॉइंट करेंगे जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हुए हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जिनके पास मौजूद है। अब चाहे वो अलायंस से आए या फिर अपना चुनाव में इकलौता जीत करके ही वो क्यों ना लेके आए, ठीक है। और गवर्नर अगर इस पोजीशन में है कि किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, तो वो अपना पर्सनल डिस्क्रिशन शुरू कर सकता है। पर्सनल डिस्क्रिशन के आधार पे किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है, बशर्ते उसको 1 महीने के अंदर अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विधानसभा के अंदर हासिल करना आवश्यक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश चीफ मिनिस्टर का देहांत हो जाता है और उसका कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, यानी उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो वैसे केस में गवर्नर जो है वो अपने विचार से किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन जनरली ऐसा कभी होता नहीं है यार, इतनी मुश्किल से कोई भी चुनाव जीत के जाता है, और अगर मुख्यमंत्री का देहांत हो गया तो इतने आसानी से सत्ता कोई थोड़ी छोड़ेगा। तो वो तुरंत जनरली कोई ना कोई पार्टी अपना एक सक्सेसर तैयार कर ही लेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती जयललिता जी का जब देहांत हो गया था, तो उस केस में जैसे ही उनका देहांत हुआ तो सीट तो खाली हो गई। सीट खाली हुई तो उस पोस्ट के लिए ओ पनीर सेल्वम जी का नाम सजेस्ट की थी पार्टी ने, है ना, AIADMK की जो वहां पे पार्टी है, सबसे ज्यादा सशक्त पार्टी है, उसने ये नाम सजेस्ट किया था कि ओ पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ओ पनीर सेल्वम को बनाया गया था, बाद में चल के पार्टी में फूट पड़ गई, वो जो दूसरा मैटर है उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि अगर उनको अपॉइंट किया जा रहा है तो इन केस ऑफ मेजोरिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मिल जाएगा उनको 1 महीने के अंदर, 1 महीने क्या तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनको ये क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है। और किसी के डेथ के बाद, किसी मुख्यमंत्री के डेथ के बाद किसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, तो उसको गवर्नर कुछ पीरियड अपनी तरफ से अपने विचार के आधार पे असाइन करते हैं कि इतने समय के अंदर अंदर आप 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जितना भी समय में आप कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल करके दिखाइए विधानसभा के अंदर। तो ये होता है प्रोसेस। एक पर्सन जो कि मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर मेंबर नहीं है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के पद पे, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा के लिए नहीं, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना जरूरी है विधानसभा में। अगर नहीं हासिल करता है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा अपने गवर्नर को, या फिर गवर्नर उनसे उनको उनको पद से हटा सकते हैं। सीएम जो होते हैं वो किसी भी मेंबर हो सकते हैं, किसी भी सभा के, मतलब वो सॉरी विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा के ही सदस्य हो तो मुख्यमंत्री बनेंगे, या विधान परिषद के ही सदस्य हो तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में
ज्यादातर मुख्यमंत्री जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। अगर सीएम जो है कॉन्फिडेंस अपना लॉस कर जाते हैं असेंबली में, जैसा कि मैंने बताया, तो उनको डिसमिस किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं सीएम के, वो तय किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। आप इसको थोड़ा प्राइम मिनिस्टर से भी कनेक्ट करके जाइए, अगर आप चाहते हैं कि इन सब पोस्ट पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सब पदों पे भी एक लेक्चर तैयार किया जाए अलग अलग वीडियोज में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पे एक लेक्चर तैयार करके आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। ये सब टॉपिक्स जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उस पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर के कुछ की पॉइंट को लेकर के। देखिए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में बात किया जाए, ठीक है, तो इनको अपॉइंट जो होता है, जो चीफ मिनिस्टर, उसकी अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन जो बाकी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशंस पे, जिसको चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि ये फलाने आदमी ऊर्जा मंत्री बनेंगे या फलाने आदमी हमारे यातायात मंत्री बनेंगे, जो भी है, तो उसको अपॉइंटमेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सलाह पे करते हैं, ठीक है? सॉरी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, या गवर्नर से कह सकते हैं कि आप उसको डिसमिस कर दीजिए, अगर किसी भी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो रहा है वहां पे तो, ठीक है? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग्स होते हैं उसको भी चीफ मिनिस्टर ही प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर करते हैं। उसके बाद रिलेशन क्या होते हैं इनके गवर्नर के साथ, तो गवर्नर के साथ इनके रिलेशंस ऐसे होते हैं, लाइक गवर्नर को हर गतिविधि का रिपोर्ट सौंपना चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई ऐसा बिल है, कोई विधेयक है जिस पे बाकी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, किसी एक इंसान ने, किसी एक सदस्य ने वो बिल बना करके प्रोवाइड किया है, तो गवर्नर जो है उसको सभी के विचार के लिए भेज सकते हैं, ओके? उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि एडवोकेट जनरल हो गए, चेयरमैन हो गए, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इन सभी की अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन के बाद ही गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के साथ इनके संबंध क्या होते हैं। तो वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर को जो सेशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उसको समन करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए, और क्या कहते हैं, जो सभा चल रहा होता है 5 साल का टर्म पूरा हो जाने के बाद उसको समाप्त करना होता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए भी सजेशन जो होता है चीफ मिनिस्टर ही गवर्नर को देते हैं। किसी भी लेजिस्लेशन के डिसोल्यूशंस के बारे में भी गवर्नर को वो चीफ मिनिस्टर ही सलाह देते हैं, और कोई भी पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट की वो फ्लोर पे अनाउंस करने का जो हक होता है वो चीफ मिनिस्टर का होता है। उसके अलावा दूसरे पावर और फंक्शंस उसके होते हैं चीफ मिनिस्टर के, उनके, जैसे कि वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि नीति आयोग के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वो वाइस चेयरमैन की तरह काम करते हैं जोनल काउंसिल में, बाय रोटेशन हर एक साल के लिए जोनल काउंसिल का जो चेयर वाइस चेयरमैन है वो चेंज होते हैं, तो एक साल के लिए उसकी भी अध्यक्षता करते हैं ऑन रोटेशन बेसिस। उसके बाद जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के वो मेंबर होते हैं, बट इनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ओके? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसा करके वो ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना होगा। इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके रिगार्डिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 ये कहा गया है उसमें कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा चीफ मिनिस्टर के साथ, जो किसी भी तरह का एडवाइस देने का काम करेगा गवर्नर को। आर्टिकल 164 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, और गवर्नर
को चीफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे, जिनका नाम सजेस्ट करेंगे, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 167 है जिसमें चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज को बताया गया है कि गवर्नर के लिए, मतलब हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को गवर्नर को बताना है, सारे इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर के जो भी है वो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ थी उसमें है कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया श्रीलंका में 7 दिनों के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि श्रीलंका जो है वो हमारे साउथ में पड़ता है, इंडिया के साउथ में पड़ता है, और वहाँ पे पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिवाइडर का काम करता है, मतलब एक तरह से वाटर बाउंड्री है। और श्रीलंका इंडिया का इकलौता ऐसा देश है जो मराइन नेबर कंट्री बोलते हैं उसको, मतलब कि ओशन के साथ उनका नेबरिंग रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है। श्रीलंका की कैपिटल पता है आपको, कोलंबो। और हमारे तमिलनाडु के बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रीलंका में जा करके बसे हुए हैं। अब आते हैं इस इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो 7 डेज का इमरजेंसी अनाउंस किया है वो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एक, मतलब हिंसा वहाँ पे पनप गई है माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में। कांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है, तो कांडी, कई लोग कैंडी पढ़ेंगे, कांडी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना है। कांडी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक हिंसा भड़क गई है, उसकी वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहाँ पे इमरजेंसी अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है। ये जो इमरजेंसी प्रोविजन होता है वो गवर्नमेंट को सब कुछ अपने कस्टडी में लेने के लिए ऑथोराइज करता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के पावर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। पिछले 7 सालों में या पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है, पिछले बार जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था उसमें लिट्टे का वार चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया, मैंने शुरू में बताया था कि जो चाइल्ड मैरिज जो है वो काफ़ी डिक्लाइन किया है, तो यूनाइटेड नेशंस ने, जो है यूनिसेफ ने, उसने यह बताया है कि पहले 18 साल से कम उम्र में 47% बच्चों का शादी हो जाता था, लेकिन अब वो डिक्लाइन करके 27% पे आ गया है। यानी कि गर्ल्स का जो अंडर एज मैरिज था वो अब डिक्लाइन किया है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 25 मिलियन चाइल्ड मैरिज जो होते हैं वो ग्लोबली प्रिवेंट किए गए हैं 2005, 2006 से लेकर के 2015-16 के बीच में। यूनाइटेड नेशन जो है उस एजेंसी यूनिसेफ ने यह कहा है कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो गर्ल्स के अर्ली मैरिज में डिक्लाइन हुआ है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है गर्ल्स एजुकेशन, जो लड़कियों की शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, मतलब कि जो एडोलसेंट गर्ल होते हैं, आप जानते हैं आज के समय में कई सारे किट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी एडोलसेंट गर्ल होती है उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या अपने हाइजीन मेंटेन करने चाहिए एंड ऑल। तो ये जो है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव का भी इसमें काफ़ी रोल है। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस को भी काफ़ी क्रेडिट दिया गया है। अगर सरकार कोई स्टेप लेके आती है और जनता उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी ना, तो इसलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया, पब्लिक में अवेयरनेस आ गया, साथ ही साथ लोगों ने इलीगल जो चाइल्ड मैरिज था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो 47 था पहले अब वो घट करके 20% डिक्लाइन हुआ, 27% पे आ गया है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा आप टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं निश्चित तौर पर उस पर वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा टारगेट है कि प्रीलिम्स आने के पहले पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के, ये 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर दूं, और साथ साथ मंथ वाइज कैप्सूल फॉर्मेट में आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं वो प्रोवाइड करूं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं इस पे काम करूंगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।